नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विचार्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है डेली का। जैसे कि देखिए, इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे आईपीओ का बेस्ट फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट आया था। जब ब्रेकआउट आया था, हमारा जो आईपीओ स्ट्रेटेजी यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एंट्री भी हो गया था। एंड जिस टाइप का यहाँ पे स्ट्रक्चर शो कर रहा है, प्राइस ऑलरेडी देखिए यहाँ पे अप ट्रेंड एस्टेब्लिश कर चुका है। एंड इस अप ट्रेंड में अगर अभी तक आप इसमें एंट्री नहीं किए, कौन सा लेवल एक लो रिस्क जोन रहेगा जहां पे आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, आज की वीडियो में हम डिटेल्स में कवर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विचार्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जैसे कि देखिए, प्राइस यहां पे एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है एंड ये जो रेड लाइन जा रहा है ना, ये हो गया अंकुर भाव। अंकुर भाव क्या है? किसी भी ट्रेंड को एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेडर्स जो एवरेज प्राइस पे करते हैं। जैसे कि देखिए, इस अप ट्रेंड को एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रेडर्स जो यहां पे एवरेज प्राइस पे किए ना, उसको कैलकुलेट करता है अंकुर भाव, क्योंकि प्राइस ऊपर तभी जाता है जब एग्रेसिव बायर एंट्री करते हैं। एग्जैक्टली जो एग्रेसिव बायर का जो एवरेज प्राइस को यहां पे अंकुर भाव कैलकुलेट कर रहा है एंड अंकुर भाव का प्राइस अभी चल रहा है 294 का। जियो फाइनेंस का प्राइस चल रहा है यहां पे 365। देखिए, प्राइस यहां पे ऑलरेडी बेस्ट फॉर्मेशन कर चुका है नियरली 365। अगर आगे आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस यहां पे 335 को टेस्ट करता है, यहां पे फ्रेश एंट्री का अपॉर्चुनिटी लिया जा सकता है। क्योंकि देखिए, मल्टीपल टाइम प्राइस यहां पे इस लेवल को टेस्ट करने के बाद यहां से बाउंस कर रहा है, इसका मीनिंग है कि ये जो बेस है ना, एक स्ट्रांग बेस। तो 335 के आसपास शॉर्ट टर्म में यहां पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है फॉर लॉन्ग पोजीशन एंड जो लॉन्ग टर्म में जो मेजर सपोर्ट बनेगा अभी के लिए 295, जो कि एंकर भाव का सपोर्ट है। लेकिन जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, लुक्स लाइक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। 335 के आसपास सपोर्ट ले सकता है एंड फिर से रिवर्सल होकर लाइफ हाई को टेस्ट करेगा, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 393। अगर आपके पास है, नो डाउट होल्ड करना चाहिए, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे तो आपके लिए जो बेस्ट लेवल बनेगा 335 का, इस लेवल के आसपास कंसिडर हो सकता है। इन बिटवीन अगर आप एंट्री करेंगे, ट्रैप हो सकता है। आइदर आपको मेजर सपोर्ट के आसपास एंट्री करना है, जो कि 335, नहीं तो कोई भी हायर हाई फॉर्मेशन के ऊपर, जो कि अभी तक बना नहीं है। उसी हिसाब से आपका क्वांटिटी को एलोकेशन कीजिएगा एंड मेजर सपोर्ट के आसपास सबसे लो रिस्क जोन होता है। मैं ऐसा करता हूँ, आप डिटेल एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।